अच्छा अच्छा विश करना, तो मैं ऑब्वियसली बर्थडे पे अच्छी विशेस के साथ ही आई हूँ. और मैं चाहती हूँ कि जो भी देवीना कर रही हैं अपनी लाइफ में या अपने करियर में, शी शुड डू वेरी वेल. और नॉट जस्ट दिस ईयर, आई थिंक आने वाले सभी साल देवीना के लिए खुशियाँ लाएँ. एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर शी इज डूइंग एंड विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे. मैं भी यही कहूँगा कि देवीना को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और उनकी और गुरमीत की जोड़ी जैसे उन्होंने पहला शो किया था राम और सीता का, वैसी बनी रहे और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अच्छा काम कर रहे हैं और भी अच्छा काम करते रहें. हाँ, एक्चुअली आते वक्त तो वाकई हम लोग अभी वही बात कर रहे थे कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी अच्छा लगा एंट्रेंस जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं. बहुत रेड कारपेट खत्म ही नहीं हो रहा था, मैं ये सोच रही थी कि ये रेड कारपेट कहाँ खत्म होगा, लेकिन यहाँ पे आकर मीडिया के सामने खत्म हुआ है. तो अब यहाँ से कांटे शुरू होंगे, जहाँ भी मीडिया सामने आती है तो कांटे शुरू हो जाते हैं. मतलब आपको बहुत पसंद आई ये जगह, बहुत पसंद है. एक्चुअली मैं यहीं से जो देख रही हूँ जगह बहुत खूबसूरत लग रही है, एंड नाउ अंदर जाके ज़्यादा मालूम पड़ेगा. थैंक यू. देखिए देवीना के असली बर्थडे पे मैं उसके साथ थी गोवा में 18 तारीख को. आज उसका बर्थडे दूसरा पार्टी की तरफ से है. आई मीन शी इज़ हैविंग अनदर पार्टी फॉर इंडस्ट्री फ्रेंड्स. और मैं यही बोलूँगी शी इज़ अमेजिंग पर्सन ऑल आउट. देवीना और गुरमीत जितने बड़े स्टार्स हैं उतने ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, और मेरे फैमिली की तरह है. मेरे पास और कोई वर्ड्स नहीं है उनके लिए. आई नो देम थ्रू हर एंड आई वुड से कि जितना भी मैं उनको जानती हूँ, दे आर वेरी ग्राउंडेड, वेरी टारिज्म घुसता नहीं है. यू हैव टू बी नाइस ह्यूमन बीइंग, दे फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग एंड आई लव देम. एंड देन मोर इनटू फिटनेस, I love them more for that. और मैं देवीना को यही विश करूँगी कि उसकी सारी खुशियाँ और सारी मनोकामनाएं पूरे हो इस साल. एंड शी एंड गुरमीत शुड कंटिन्यू टू बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड फॉर आई लव देम. तो ये मेरा सेकेंड टाइम है सिन सिटी में आया. आई केम, पहली बार एक लॉन्च हुआ था तब मैं आई थी, और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है बिकॉज बहुत स्पेशियस है, बहुत एरी है, और ऐसी जगह मुंबई में मिलना बहुत मुश्किल है. एंड गर्मी में वी नीड सम गुड फ्रेश एयर, तो वो भी है. सो इट्स अ ग्रेट प्लेस. That's more important. Yes. Thank you so much. Bye-bye. Thanks. Devina is one of my closest friends. और इस बार उसकी जिस दिन बर्थडे थी उसके कुछ दिनों पहले मैंने उसको ये भी बोला था कि तूने इस बार बर्थडे पार्टी कहीं पे थ्रो नहीं किया, हर बार तो बाहर चली जाती है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि उसने इस बार बर्थडे पार्टी थ्रो किया यहाँ पे एंड आई गेट टू कम. जनरली उन लोगों का ये कंप्लेन होता है कि वो लोग कभी भी घर में पार्टी रखते हैं, तो मैं बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर आती हूँ, वहाँ पर जाती हूँ उनके घर पर, बिकॉज मुझे हमेशा जल्दी सोना होता है, मुझे जल्दी उठना होता है नेक्स्ट डे, यू नो, शूट के लिए, जिम के लिए. तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पर आ पाई हूँ. कल थोड़ी लेट कॉल टाइम है, सो आई कैन बी हियर फॉर सम लॉन्ग टाइम एंड आई कैन हैव फन इन द पार्टी हियर. या विशेस क्या देना चाहेंगे? ऑल द बेस्टेस्ट विशेस. मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगी, उसको पता मैंने उसको क्या क्या विशेस दिए हैं, सो इट्स ऑल फॉर हर. या अच्छा, जानना चाहेंगे सिन सिटी में आई है लॉन्च, तो जब आपने एंट्री किया और यहाँ तक तो बहुत कैसा लग रहा है यहाँ के एम्बियंस? मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे. मैं पहले इट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली, मैंने वो कैप्शंस पढ़ती हुई आई थी, लीव योर वर्चुअस बिहाइंड बिकॉज यू आर एंटरिंग द सिन सिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो इट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली, लेट्स सी. मैं पहली बार आई हूँ इस नए, आई थिंक इट्स अ न्यूली ओपन लाउंज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूली ओपन लाउंज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो लेट्स सी हाउ इज इट, हाउ डज इट गो, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट इट्स गोना बी फन एंड इट्स गोना बी एक्साइटिंग हियर. थैंक यू. I feel very happy to be associated with Devina and Gurmeet both, because it's very rare to get have wonderful people in your life. They are both amazing human beings. I would always want them to be in my life, and of course because it's Devina's special day, I'm here to wish her all the very best in her life. I know whatever she's wished for, she's already achieved it, but whatever, you know, because as we keep growing, you know, our wishes and dreams, they keep changing also. So whatever few wishes that are not fulfilled, I hope they get fulfilled. That's my wish. Second time at Sin City, how do you feel about this place now? Very good. I think just a month back I came here for my friend Rohit Verma's show. So in no time I'm back here. So yes, that's smart. Very, very, very happy birthday. Thank you so much for wishing me a very, very happy birthday. किस अंदाज में? अंदाज तो यार अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना है, अंदाज अपना अपना है. एक्चुअली क्या मैं बोलूँ, हम लोग एक्चुअली अभी गोवा में थे, दो तीन दिन वहाँ पे थे, और हर साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि एनिवर्सरी और मेरा बर्थडे फेब में आता है,
तो तब हम लोग मौका जब मिलता है सारा कुछ कर लेते हैं। बट देबीना का जब बर्थडे आता है तो वो हमेशा इंडिया के बाहर लेके जाती हैं। इस बार हमने प्लान किया कि इस बार यहाँ बॉम्बे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मनाएं, तो इसलिए अंदाज़ क्या हो सकता है, अंदाज़ यही हो सकता है कि उनको जीता कैमन आछो अंदाज तो इनसे सुनना चाहिए। थैंक यू जीता, थैंक यू सो मच। गुरमीत तो गाइते पारे ना तुम ही एक लाइन गया और जो ना चल हम साथ में गाते इसके। हां जीता, आप आपके आपके गानों पे मैंने लिपसिंग की है तो आप गाइए, मैं लिपसिंग करता हूं। हम दोनों का इसका पहला फिल्म है, आई एम सो ग्रेटफुल विशेष फिल्म्स एक्चुअली ये मौका हमको दिया था इनके लिए गाना बनाने के लिए। एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी एंड यू नो द सॉन्ग एक्चुअली खामोशिया आवाज़ है तुम सुनने तो आओ कभी छू कर तुम्हें खिल जाएगी अगर इनको बुलाओ कभी बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा खामोशिया तेरी मेरी खामोशिया खामोशिया लिपटी हुई खामोशिया। वाह थैंक यू जीता, थैंक यू। इट इज़ सो ब्यूटिफुल है ना, घुसते हुए भी इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड मुझे लगता है अंधेरी में ये ऐसा इकलौता ऐसा क्लब है, कम रेस्टोरेंट कम परफॉर्मेंस एरिया। सो मेरे पास जो हर किस्म के हमारे दोस्त हैं, सो जैसे आप देख रहे हैं एक्टर टू कंपोजर टू डायरेक्टर, आई मीन एवरीबडी विल फील कम्फर्टेबल इन देयर ओन स्पेसेस। सो आई थिंक दिस कुड हैव बीन लाइक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव सेलिब्रेटेड our birthday and my birthday actually pata nahi mujhe main actually hamesha initiative leti hu to isliye iska birthday hamesha celebrate ho jata hai to ye thode lazy se hai to actually ne karna hum kuch chahte hain lekin phir unke dimag mein nahi aata hai kyunki pehli baar hum jab first time matlab mile the aur us usme jo mera pehla birthday tha gurmeet ke sath he wanted to celebrate aur usi time pe hamara itna bada jhagda ho gaya tha ki almost breakup ke kagar pe us time pe gurmeet ne bola aaj bas birthday pe chalo celebrate karo uske baad breakup matlab itna plan hua tha aur wo plan nasafal hone ja raha tha to celebrate karna zaruri tha uske baad bhale breakup so I went for the whatever celebration he had made band baja bula ke road pe to main to bahut embarrassed tha kehte pehla pyar jab pehli baar pyar hota hai to hota hai aur mera ye manna tha ki hamesha kuch lazada life honi chahiye to दो महीने हुए थे डेट करते हुए और इनको सरप्राइज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे खुद को ही नहीं मालूम था कि इनको इतना पसंद नहीं है और इतना प्लानिंग किया हुआ था। बैक रोड पे मैंने बैंड बाजा को बुलाया हुआ था, बहुत झामा था, तो देबीना को मैं बता रहा हूँ कि चलना है 12 बजे से पहले, तो इनको ये कि नहीं मुझे अभी बताओ क्या है, मुझे लगा इतना खर्चा कर दिया अभी बता दो क्या प्लानिंग की है, तो किसी तरह इनको मना के मैं लेके गया। वो अलग बात है कि मुझे खुद शर्म आ गई, बैंड बाजा जैसे हम उतरे बैंड बाजा बजाने लगे लोखंडवाला बैक रोड में अंधेरा था तो ऐसा लगा कि अभी पुलिस आ जाएगी। बट उसके बाद से गुरमीत ने शपथ ले लिया मनी मन में कि मैं तो कभी ना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा तुम्हारा। तो गुरमीत का बर्थडे हमेशा सेलिब्रेट होता आया है, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा। नहीं, मेरा एक बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया था जब हम लोगों ने मड में किया था, शूट नहीं बर्थडे सेलिब्रेट, वो थीम पार्टी बॉलीवुड थीम पार्टी किया था। सो आई थिंक उसके बाद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे एंड आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमें इतना अच्छा जगह हमें ये तो पहले सिन सिटी था ही नहीं तो सिन सिटी हुआ तो हमने सोचा चलो यहाँ पे करते बिकॉज जैसे मैंने अभी कहा दैट वी हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स, मतलब सबको अगर हम लोग बुलाने जाना तो ऐसा लगता है कि इनके साथ ये कैसे जेल होंगे इनके साथ ये कैसे जेल होंगे, बट देन दिस प्लेस हैज़ गॉट सच अ कम्फर्टेबल वाइब तो हमने सोचा इस बार सबको बुलाते हैं और बड़ा तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग गोवा में बहुत अच्छा रहा सेलिब्रेशन,
बिकॉज वो तो एकदम गिन चुन के हम लोग 6-7 लोग ही गए थे और साथ में रुके थे एक विला में. सो विच वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. और बहुत 2 साल हो गए थे गोवा भी नहीं गए थे और तो इसलिए आई हैड अ अमेजिंग टाइम. हाँ मैं कर लेती हूँ पहली बर्थडे होने से पहले ही मेरे पास आ जाते. धमका के नहीं मैं पूछ लेती हूँ मुझे ये चाहिए और ये लूप में आ जाती है चाहिए हर दिन दिन में 3-4 मैं रिमाइंडर दे देती हूँ तो वो आ जाता है. ऑलराइट गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू. एक्चुअली आई गुरु भाई आपके भी फैंस के बिल्कुल आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल द फैंस ऑफ सोशल मीडिया जो मतलब अलग अलग देशों से है जिन्होंने दिन रात एक करके न जाने कितने एडिट्स बनाए. कुछ कुछ फोटोज़ तो मुझे मिल गए जो मेरे डायरेक्टली डीएम में आ जाता है. कुछ कुछ जो मेरे दूसरे सेक्शन में आता है जो एक्चुअली मैं रेगुलरली खोल नहीं पाती हूँ पर मैंने आप लोगों के लिए मैंने सारे पढ़े. कुछ कुछ लेटर्स मैंने रिपोस्ट भी किया पर ये पॉसिबल नहीं होता है. मतलब जो लोग देखेंगे उन लोगों के लिए एक बॉदरसम हो जाएगा इतने सारे रिपोस्ट टिक 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 इंस्टाग्राम में. तो जितना हुआ है मेरे लिए पॉसिबल मैंने कर दिया एंड बट आई हैव रेड ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई बर्थडे फील सो स्पेशल. Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.